तो एपिसोड 3 में आप लोगों ने देखा कि किस तरह माइकल सिंगर का पीछा करते हुए उसके मेंशन तक आ जाता है और वहां पहुंचकर उसके सारे गार्ड्स मार देता है और अपनी फैमिली को वहां से बचा लेता है। वो अब तक सोचता हुआ आ रहा था कि उसकी जीत हो रही है, पर उसको अब तक ये नहीं पता था कि वो अब तक जिसको बालास के कहने पे एक मामूली सिंगर मानता हुआ आ रहा है वो और कोई नहीं, लॉस एंजेलिस के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस का भाई है जिसका नाम है एंथनी। So, hello guys and welcome back with our another GTA 5 gameplay video। तो भाई last episode में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई मैं इस सिंगर का पीछा करते करते इसके mansion तक आ गया था अपनी फैमिली को बचाने, और भाई यहाँ आके मैं अपनी फैमिली को भाई जैसे देखता हूँ ना इतना बेकाब हो जाता है भाई माइकल, वहाँ पे सारे जितने भी गार्ड्स थे सबको मार देता है। बट भाई उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है डगन बॉस की भाई, जो कि मैं जस्ट अंदर ही गया था। पता है क्या सीन होता है, लास्ट एपिसोड में मैं अंदर गया, वहाँ पे अंदर बॉटल्स वगैरह रखे थे उनको फोड़ने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हें पता होगा कि सिंगर ने अपने घर का क्या हाल करा भाई, पूरा घर एकदम तहस महस कर दिया है। तो भाई मैं जस्ट वहाँ पर अंदर गया ही था, जब मैं वहाँ से बाहर आया भाई देखने को मिला कि यहाँ पर मेरी फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ पर डगन बॉस आ चुका है। और भाई मुझे नहीं पता था ये जो आप बंदा देख रहे हो ना ये कोई मामूली बंदा नहीं है भाई, ये डगन बॉस का भाई है। इसका मतलब जो बालास वालों ने हमें टास्क दिया था वो झूठ बोल के दिया था, कि उन्होंने हमें बताया कि ये सिंगर है नॉर्मली, तो भाई मैं भी मान गया हाँ भाई सिंगर होगा, इसको किडनैप करना है। अब मैं समझा कि उन्होंने हमें ये टास्क करने के लिए क्यों दिया था, क्योंकि भाई ये डगन बॉस का भाई है, तो अगर वो खुद करते तो डगन भाई उनकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतनी पावर रखता है डगन बॉस। इसलिए भाई उन्होंने प्लान बनाया कि वो मेरे थ्रू, क्योंकि मैं भाई शहर में नया हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है अभी यहाँ का, इसलिए भाई उन्होंने मेरे यहाँ पर फ़ायदा उठाया और मुझे इस जाल में फंसा दिया। उसके बाद भाई मैं जैसे ही बाहर आया भाई डगन बॉस को मैंने देखा, वो मेरी फैमिली को मारने के लिए एकदम तैयार था। भाई ये देख के मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि भाई बालास वालों ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, बालास वालों ने हमें ये नहीं बताया कि ये तुम्हारा भाई है, उन्होंने हमें जस्ट इसको कहा कि एक मामूली सिंगर है। उसके बाद भाई इसने हमें अभी यहाँ पर बैठा रखा है, और अब पता नहीं भाई हमारे साथ यहाँ पर क्या तो होने वाला है आगे, कुछ पता नहीं है मुझे। अब जो भी होगा भाई देखा जाएगा, देखते हैं, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर, एक सेकेंड क्या हो गया भाई, ओके ऑल राइट। तो भाई ये मुझे कह रहा है कि चुपचाप हाथ ऊपर करो और बॉस के पास चले जाओ। भाई एक तो पता नहीं इसके बंदे देख रहे हो भाई, चारों तरफ इसके बंदे खड़े हुए और गन एम कर रखा है अपने पे। चलो देखते हैं अब जो भी होगा, एक काम करते हैं इससे बात करता हूँ और फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। ऑल राइट, तो मेरी यहाँ पर अभी डगन बॉस से बात हो चुकी है, और भाई ये कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी फैमिली को अभी के अभी मार सकता हूँ, पर भाई ऐसा अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। बट इसने ना यहाँ पर एक कंडीशन रखी है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को तो छोड़ रहा हूँ बट उसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जिसके बारे में भाई मुझे कल शाम 5 बजे इसने मुझे एक जगह पर बुलाया है, वहाँ पर ही बताएगा। पता नहीं भाई क्या तो वो काम होगा, बस अपने लिए तो भाई मेन फैमिली थी। अभी सबसे सही बात यह है कि अपनी फैमिली और अपने दोस्त सब यहाँ पर सेफ है, और इसने साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक गाड़ी भी दी जिसमें हम यहाँ से जाने वाला है। तो भाई चलो फटाफट से यहाँ से चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इतना आप लोग भी भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, इसने अब तक लाइक नहीं करा, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर देना भाई। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 5000 लाइक का, जो कि आप लोग आराम से पूरा करवा दोगे भाई, सच में बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना। अभी चलता है फटाफट से, यहाँ पर ट्रेसी और अमांडा भी गाड़ी में बैठ चुकी है, बाकी जो ट्रेवर और फ्रैंकलिन है वो अपनी उस गाड़ी में आने वाले हैं जिससे हम यहाँ पर आए थे। अभी फटाफट से गाड़ी को लेकर निकलते हैं, और भाई सिक्योरिटी देख रहे हो, मतलब पता है यहाँ पर क्या सीन हुआ, जस्ट मैं अंदर 3 मिनट के लिए गया था भाई वो सब फोड़ने वगैरह, भाई इतने में ही पूरी की पूरी आर्मी आ गई और चारों तरफ से पूरा बेस कवर फार्म हाउस कवर कर लिया। भाई पता नहीं यार कैसे इतनी जल्दी ये लोग आ गए,
मुझे यार कहीं कहीं तो लगता है कि इनका प्लान था, या तो भाई हो सकता है कि जो सिंगर था उसको पता था कि मैं उसका पीछा करते हुए उसके मेंशन तक या फार्म तक आ रहा हूँ, उसने तब ये प्लान बनाया। बाकी पता नहीं भाई, डक्कन आर्मी एकदम इतनी तेज आया ना कि कुछ पता ही नहीं चला। जस्ट मैं भाई अंदर से बाहर आया और बाहर आते भाई देखा तो पूरा का पूरा जो फार्म हाउस है वो चारों तरफ डक्कन के बंदों से कवर हो चुका है। अभी यार एक टेंशन और बन चुकी है, पता नहीं भाई कल क्या ही तो टास्क देगा डक्कन बॉस अपने को। कल उसने शाम को 5 बजे अपने को बुलाया और वहाँ पे भाई पक्का कुछ ना कुछ तो खतरनाक सा टास्क होगा भाई, क्योंकि वो डक्कन बॉस है और हो ही नहीं सकता भाई वो कोई नॉर्मल सा टास्क दे और अपनी फैमिली उसके बदले में उसने छोड़ दिया है। अभी देखते हैं भाई कल ही। बाकी चलते हैं से घर पे। और भाई बालाज वाले हैं ना, उनकी तो भाई मैं इतनी गंदी बैंड बजाने वाला हूँ भाई। जो उन्होंने अपने साथ करा है ना, वो सोच के ये चल रहे थे कि भाई माइकल तो नया है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या चल रहा है भाई ये? वेट, आई थिंक यहाँ पर कुछ आग वगैरह लग चुकी है और इस तरफ यहाँ पर CPR वगैरह दे रहा है भाई। काफ़ी लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ होगा यार? वेट, एक बार यहाँ से चल के देखते हैं भाई, क्या पता इधर से कुछ पता चल पाए। नहीं यार, यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है ट्रांसफार्मर में आग लगी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। और वेट भाई, ट्रैफिक देख रहे हो कितना लंबा लगा हुआ है। यहाँ पर अपनी ये मेडिक वाले भी आ चुके हैं, यहाँ से तो जाना मुश्किल है। एक काम करते हैं पीछे चलते हैं, और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई। यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग पहले से वेट कर रहे हैं। इधर लेफ्ट से आई थिंक जाएगा ना, हाँ लेफ्ट से चलता है, यहाँ से चला जाएगा अपने घर पे ये रास्ता। भाई रॉल्स रॉयस भी ट्रैफिक में खड़ी हुई है यहाँ पे, चलो चलते हैं यहाँ से। बाकी हाँ मैं कह रहा था भाई, बालाज वाले जो है ना उनकी तो पक्का बैंड बजानी है भाई। वो ये सोच के चल रहे थे कि यार माइकल तो लॉस एंजल्स में नया है, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो भाई उसने डक्कन बॉस का जो भाई है उसको हमें ये बता के कहा है कि भाई ये तो कोई मामूली सिंगर है, इसको पकड़ के लाना है बस। भाई मैं भी चल दिया, बाकी कोई नहीं इनसे तो भाई बदला पक्का बाद में लेंगे, पहले एक बार डक्कन बॉस का जो टास्क वगैरह है इसको देखते हैं क्या तो अपने को देंगे। अभी चलते अपना घर भी आ चुका है फटाफट से भाई, अब तो मैं जाके इतना रेस्ट करने वाला हूँ। एक सेकेंड भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई अपना घर चारों तरफ से कवर कर लिया है, ये बालाज के बंदे है ना? वेट भाई, घर की हालत देख रहे हो अंदर तक भाई साहब। एक सेकेंड भाई, ये क्या कर भाई, अपने पे गन एम कर रहा है, यहाँ से कह रहा है चले जाओ। वेट शायद इसने, ओके काले शीशे हैं भाई गाड़ी के, ठीक है इसने पहचाना तो नहीं है भाई। ये जब मुझे ही मतलब ये एज अ लोकल मान के मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, तो भाई मैं एज अ माइकल यहाँ पर चला गया तो भाई क्या ही हाल करेंगे मेरा। बाकी भाई अब देख रहे हो क्या भाई, घर का पूरा हाल कर दिया है, सारा घर उन्होंने टेरेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया है। और भाई अमांडा की गाड़ी भी यहाँ पर उन्होंने वेट यहाँ भाई गोले चलानी शुरू कर दिए इन्होंने तो। भाई निकलो यहाँ से निकलो भैंस की आँख। भाई कुछ गलत ही सीन हो रहा है यार यहाँ पर तो, यहाँ पे अपनी फैमिली रखना बिल्कुल सेफ नहीं है अभी के लिए। भाई यार ये बालाज वालों के ना, सच बता रहा हूँ, एक बार ये इन सब चीज़ों में सॉल्व हो जाऊँ भाई, बालाज की तो सच में बहुत गंदी बैंड बजानी है मुझे। मतलब भाई घर का हाल देख रहे हो क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर अमांडा की गाड़ी थी वो भी पूरी फोड़ दिया है। अभी यार मुझे अपनी फैमिली को कहीं और रखना होगा। एक काम करता है अभी चलता है सीधा फ्रैंकी के घर पे, वहीं पे भाई रखने को, क्योंकि अभी अपने घर पे तो भाई जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ तो मैं अभी दूर दूर तक भी नहीं उसके पास जाऊँगा, क्योंकि भाई बालाज वाले बंदे वहाँ पे और उसके आसपास तो पक्का ही होंगे। अभी फटाफट से चलते हैं भाई फ्रैंकी के घर पे, वही अपने लिए सेफ है। बाकी जो अपने कैश वगैरह जो था वो भी हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, वो हमने फ्रैंकी के घर पर रख दिया था, अभी वहीं पर निकलते हैं। बट नहीं यार वेट, नहीं भाई वहाँ पर जाना सेफ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भाई फ्रैंकलिन का जो घर है ना वो बालाज के हुड के पास ही, और वहाँ पर भाई हो सकता है कि हम जस्ट वहाँ से कहीं भी, क्योंकि बाहर तो भाई निकलना ही पड़ेगा यार घर से, और अपनी फैमिली को मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे भी बिल्कुल सेफ नहीं है भाई, फ्रैंकलिन घर भी सेफ नहीं, और ट्रैवर का भी वो पता लगा ही लेंगे किस तरीके से। अभी ना मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर ये ना आ सके, और जहाँ पर इनको पता भी ना चले कि मतलब ये सोचे भी ना कि भाई माइकल वहाँ पर भी जा सकता है। एक सेकेंड, हमारे यहाँ पर कोई होटल भी है ना? वेट, लॉस एंटोस में एक होटल है 5-स्टार होटल, वो यहीं पर सामने ही है, उसमें चलता है भाई। होटल में सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर इतने सारे रूम्स हैं, अगर वो वहाँ पर आते भी हैं तो कहाँ ही ढूंढ पाएंगे। और आई थिंक यही है वो होटल, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है। वेट चलता है यहाँ पर, क्योंकि भाई ये जो होटल है ना ये 5-स्टार होटल है, यहाँ का सबसे सेफेस्ट होटल है पूरे लॉस एंटोस का। और यहाँ पर क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है भाई इन लोगों ने। ओके एक काम करते हैं यहाँ पर ना उधर के फटाफट से अंदर चलते हैं, आई थिंक और भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वेट भाई डेकोरेशन तो बड़ी मस्त कर रखी है। अभी चलते हैं फटाफट से अंदर अपनी फैमिली को कुछ दिन ना अपने को। वेट क्या हो गया भाई, क्यों भाई अंदर क्यों नहीं जा सकता?
ओके, समझ गया। ओके भाई, ये कह रहा है कि अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी करनी अलाउ नहीं है, मुझे पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। कोई नहीं, तो अपनी फैमिली को भेज देता हूँ, अपनी फैमिली तो अंदर चली जाएगी, मैं अभी आ जाऊँगा गाड़ी पार्क करके। भाई ये होटल में रहना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख रहे हो, बाहर भी इतनी सिक्योरिटी गार्ड है और इस तरफ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और अपनी फैमिली ओके अंदर चली गई है, अभी चलते हैं फटाफट से। इसकी शायद पार्किंग ये आगे से राइट बता रहा है, यहाँ पर है ना। ओके, यहाँ पर इसकी पार्किंग है, यहाँ पे अंदर चलते हैं। भाई पार्किंग में भी फुल सिक्योरिटी है भाई, यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि भाई अपने को ना अभी अपनी फैमिली एकदम सेफ चाहिए और खुद भी। और एक सेकेंड, ये कोई होटल की पार्किंग है ना भाई, गाड़ियाँ देख रहे हो। ओके राइट, यहीं पे जाना है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स। और भाई यहाँ पर गाड़ियाँ देखो भाई, क्या मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी हुई है भाई, एकदम मस्त मस्त यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अपना कोई स्लॉट ढूंढते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा पाए, वेट इधर ही लगाते हैं पीछे करके। भाई मस्त ऐसा लग, भाई लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे कोई होटल की पार्किंग में आ रखा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई कार एग्जीबिशन चलने वाला है यहाँ पर थोड़ी बहुत देर में। इधर साइड में मेरी येलो कलर की X80 खड़ी हुई है भाई, ये भी काफ़ी मस्त लग रही है। और यहाँ पर ना और भी काफ़ी सारे कस्टमर आ रहे हैं, एक काम करता है आगे जाके और गाड़ियाँ देखते हैं। भाई यहाँ पर तो बड़ी मस्त मस्त, ओके ये मैक्लारेन भी खड़ी हुई है यहाँ पे, और इस तरफ एक मस्त सी मस्टैंग भी खड़ी हुई है भाई, सही है। वेट भाई, देख रहे हो क्या हॉर्न लगा रखा है इस तुमने गाड़ी में, मस्त है भाई। इसको सुन के तो और ऐसे फील आ रही है जैसे सच में भाई मैं कोई कार एग्जीबिशन में आ रखा हूँ। बाकी अपने अलावा ना यहाँ पर काफ़ी और भी भाई लोग आए जा रहे हैं भाई, पार्किंग के स्लॉट फिल हो जाएंगे। वेट क्या मस्त है भाई ये मस्टैंग, मतलब बढ़िया बढ़िया। जितने भी यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना भाई, ये सब एक से एक बिजनेसमैन या बिलियनर्स के हैं जो भी यहाँ पर रुकने आ रखे हैं। मस्त है भाई ये होटल, एकदम बढ़िया है। अब एक काम करते हैं, चलता है भाई अंदर, अपनी फैमिली भी वेट कर रही होगी अंदर बैठ के। वेट इसी गार्ड से पूछ लेता हूँ भाई, यहाँ पे अंदर जाने का एंट्रेंस कहाँ पर है यार, या बाहर से आना पड़ेगा। ओके, ये कह रहा इस तरफ से आप अंदर का एंट्रेंस है, फटाफट से अंदर चलता है, अपनी फैमिली भी अंदर वेट कर रही होगी। और मोटा भाई, भाई ये हर वीडियो में आ जाता है ये बंदा और खाता ही रहता है हर जगह। चलो चलता है फटाफट से अंदर, यहाँ पर लिफ्ट है। बाकी ठीक है भाई, ये होटल ना यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। अभी और अंदर देख लेंगे अपने जो रूम्स वगैरह है वो कैसे हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत दिन रुकने का, क्योंकि भाई जब तक ये सारा सीन सॉल्व नहीं होता ना जो भी बाहर चल रहा है, जब तक हम यहीं पर रुकने वाला है। तो चलो फटाफट से चलता है अंदर। ऑल राइट, तो फाइनली मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ, और आई थिंक ये इस होटल का रिसेप्शन लग रहा है भाई, अंदर से भी बड़ा मस्त है यार। और ओके, यहाँ पर ट्रैवलर भी यहाँ पर अंदर आ चुका है, बट अपनी फैमिली यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओके, यहाँ पर बैठे हुए जिमी, अमांडा, ट्रेसी, सब लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं तो एक काम करता हूँ, होटल की जो कीज वगैरह है, रूम्स वगैरह की की ले लेता है। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाने गया है, वो भी कुछ देर में आ ही जाएगा। बाकी हाँ यार, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि अभी ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पर काफ़ी दिन रुकने वाले हैं, तो होटल रूम्स वगैरह में सही नहीं रहेगा, एक अपार्टमेंट ही पूरा यहाँ पर बुक कर लेता है, क्योंकि भाई काफ़ी दिन के लिए रहने वाले हैं, तो रूम्स वगैरह तो यार काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। तो अभी एक काम करते हैं, अपार्ट ही सही रहेगा, तो मैं एक बार रिसेप्शन में बात कर लेता हूँ और इनसे ज़रा कीज़ वगैरह ले लेता है। ऑल डन, तो भाई अपना जो अपार्टमेंट है वो यहाँ पर फाइनल हो चुका है। अब जो इसकी डे वन की पेमेंट थी वो भी मैंने को दे दिया है, बाकी आगे की देखेंगे। और अपना ये 101, हाँ 101 है अपना अपार्टमेंट नंबर जहाँ पे हम रहने वाला है अपार्टमेंट में। तो बाकी एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्रेवर को बता देता हूँ, ये अपनी फैमिली को ऊपर ले जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रैंकलिन का वेट कर देता है, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाला होगा ऊपर, काफ़ी टाइम लगा दिया भाई उसने भी। बाकी भाई जो इस होटल की फैसिलिटी है ना भाई, एकदम ए बना है। मैंने जैसे इनको कहा कि भाई अपने को ना एक शेफ चाहिए, तो भाई ये तुरंत रेडी हो गया। इन्होंने कहा कल सुबह मॉर्निंग तक अपने पास शेफ आ जाएगा, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी इनको कहिए तुरंत हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी ये 6-6 लिफ्ट है भाई ऊपर जाने के लिए, मस्त है भाई ये भी। एक सेकेंड भाई, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि भाई जैसे आपको पता है भाई होटल तो बहुत मस्त है, इसका रेंट भी भाई उतना ही ज़्यादा है, तो अपने पास जितना पैसा था हमने वो दे दिया है। बाकी जो उसकी आगे की पेमेंट है उसके लिए भाई हमें जाना होगा फ्रैंकलिन के घर पे। तो अभी जाना तो यार नहीं, अभी जाना सेफ नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, सुबह ही चलते हैं और जितना भी यहाँ पर सारा कैश है वो सब लेके आ जाएंगे। एक सेकेंड, ये कौन लेटा भाई, छपरी यहीं जगह मिली है क्या इसको? चलो लेटे रहने दो इसको, जो भी है अपना। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से ऊपर और भाई रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं अभी। ओके, तो भाई फाइनली मैं यहाँ पर ऊपर भी आ चुका हूँ, अब फटाफट से चलते हैं और भाई जरा अपने रूम्स वगैरह देखते हैं कैसे तो मिला है। बाकी जो मैं आपको कह रहा था ना भाई, अपार्ट नंबर, रूम नंबर, भाई वो फ्लोर नंबर था, 101 फ्लोर नंबर है भाई। यहाँ से तो व्यू भी काफ़ी मस्त आएगा, गाड़ियाँ देख रहे हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे टॉयज चल रहे हो, और भाई मस्त है व्यूज़। तो एक बार अंदर चलता है, अंदर भी देख लेते हैं भाई क्या सीन चल रहा है अंदर भी, क्योंकि सब तो आ चुके हैं। वेट भाई, अंदर से भी काफ़ी मस्त है यार ये तो। फिर हंस के आग भाई, देख रहे हो अंदर इंडोर प्लांट्स भी हैं और इस तरफ सोफे वगैरह भी रखे हैं, पूरा सेमी फर्निश्ड है भाई ये।
सही है भाई, जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं ना उस हिसाब से फैसिलिटी भी दे रहे हैं भाई, मस्त लग रहा है मुझे तो एकदम। बाकी इधर ट्रेसी भी आई थिंक कुछ फ़ोन वगैरह में गेम खेल रही है। और एक सेकेंड, ये जिमी क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि व्यू देख रहा है भाई इधर से, व्यू तो भाई ज़बरदस्त है। एक सेकेंड भाई, ये शीशा कितना गंदा हो रखा है यहाँ पे, इसको कल सुबह साफ़ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं भाई, व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है, कल सुबह देखेंगे भाई। यहाँ से मुझे लग रहा है सुबह और मस्त दिखेगा, जब रात को इतना बढ़िया दिख रहा है तो भाई सुबह तो और ही मस्त दिखेगा। अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं भाई क्या क्या है इसमें। यहाँ पर डाइनिंग टेबल आई थिंक है खाना वगैरह खाने के लिए, और इधर लेफ्ट में क्या है? ओके ओके, किचन है यहाँ पर, अपना मस्त खाना वगैरह बना सकते हैं भाई, ये मस्त है यार। वेट वेट, यहाँ से शायद हम देख सकते हैं ना सामने से भाई, शायद, पता नहीं मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शायद यहाँ से अपना घर भी दिख सकता है भाई, क्योंकि 101 फ्लोर है, इतना ऊंचाई पे है भाई। हम यहाँ से देखेंगे, कल सुबह ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई रात को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ लाइट सी लाइट दिख रही थी वहाँ पे। कोई नहीं, सुबह देखेंगे रूम को भी अपने। बाकी ऊपर और देख लेता है, यहाँ पर ऊपर जाने का और रास्ता तो है नहीं, एक रूम है यहाँ पे लास्ट में। ओके ओके, यहाँ पे ट्रैवर तो मस्त बैठ के अपना रेस्ट कर रहा है, आई थिंक कंप्यूटर वगैरह में कुछ देख रहा है। चलो सही है, इसको भी रेस्ट करने देता है। अभी चलता है यहाँ से बाहर और भी देखते हैं भाई, मतलब बढ़िया है यार, काफ़ी बड़ा है ये अपने लिए, वैसे बड़ा ही ठीक है भाई, क्योंकि अपने 6 लोग हैं, तो भाई 6 लोग के लिए कोई कहीं सो ऊपर सो जाएगा, ऊपर सोफा वगैरह भी है, ठीक है अपने लिए बेस्ट है। अगर भाई रूम्स लेते तो भाई बहुत दूर दूर होते, और पता भी नहीं रहता कि कौन कहाँ पे है कौन नहीं है। ओके, यहाँ पर नीचे आते ही सबसे सामने बेडरूम है। ओके, इधर बेडरूम है और साइड में भी से कोई रूम है। यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है, और इस तरफ बिल्लियाँ लेटी हुई है 3 भाई, ये कहाँ से आ गई यहाँ पे? ओके, अमेंडा यहाँ पर मस्त रेस्ट कर रही है, आई थिंक सो गई है वो। चलो चलते हैं इस तरफ भी देखते। बाकी एक सेकेंड रुको यार, ये साइकिल चला सकते हैं क्या भाई? ये तो सही में यार भाई, अबे क्यूट क्यूट सी बिल्लियाँ भी रखी हुई है, और साइकिल कितनी मस्त है भाई, 3 दिन साइकिल रखी हुई है, कल सुबह देखेंगे। और एक सेकंड भाई, ये अमेंडा ने फिर से अपने फेस पे वही कुछ लगा लिया है जो उसने पहले लगाया था भाई, मत लगाया कर यार, रात को नींद भी नहीं आती इसको देख के। और चलो इधर चलता है भाई, रूम्स तो काफ़ी सारे हैं इस तरफ। ओके, तो ड्रेसिंग रूम है, ठीक है मस्त है भाई, यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं हम। और इस तरफ एक और रूम है, जरा ऐसे भी चल के देख लेते हैं। ओ तेरी भैंस की, ओ भाई फ्रैंकलिन क्या भाई, गेट तो बंद कर लिया कर यार, गेट भी खुला छोड़ रखा है भाई, अजीब ही आदमी है अरे फ्रैंकलिन भी यार। यहाँ पे एक तो वॉशरूम एक है, वो भी दिक्कत हो जाएगी। और हाँ यार, सबसे मेन चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया भाई, अपना ना व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह लिंक है, बस आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है, और ऊपर ना जैसे आप उस पर करोगे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, और ऊपर एक फॉलो का बटन होगा, सिंपली वहाँ पे प्रेस करना, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे भाई। वहां पे ना अपने आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट मिल जाएंगी आपको, साथ ही साथ भाई जो मैं वीडियोस में नाम वगैरह लेता हूँ और बंदों को अपने साथ खिलाता हूँ, अगर आपको वो सब भी करना है तो भाई जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, किस बात का वेट कर रहे हो फटाफट से। यार देखो व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, तो नीचे लिंक है भाई, जल्दी से आ जाना, क्योंकि वहां पर नेक्स्ट एपिसोड से पहले एक बहुत मस्त चीज आने वाली है। हो गई सुबह भाई, क्या मस्त नींद आई है भाई यहाँ पे रात को, मतलब पता ही नहीं लगा भाई कब को मेरी आंख लग गई, रात को कुछ ध्यान ही नहीं रहा। ओके, यहाँ पर दिन भी निकल चुका है, अपनी फैमिली नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, ऊपर होगी, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। रुको एक बार, उससे पहले ना यहाँ देखते हैं भाई, अब तो नहीं है ना फ्रैंकलिन? ओके, यहाँ पे नहीं है भाई, भाई रात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गेट भाई बंद नहीं करता, बंदा ऐसे ही अपना लगा पड़ा है करना है, कोई नहीं चलो हो जाता है कभी कभी। अभी फटाफट से ऊपर चलता है, और भाई आज तो अपने को बहुत सारे काम करना है भाई। सबसे पहले ना आप लोगों को पता होगा भाई, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है पर्सनल भाई, हमेशा किसी ना किसी की मांग के घूमना पड़ता है गाड़ी वगैरह, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आज भाई कोई शोरूम में जाएंगे और मस्त सी गाड़ी लेने वाला है, जो भी एकदम बढ़िया लगेगा ना अपने को आज, वो फाइनल और ऑर्डर के। एक सेकेंड, अबे ओए भाई क्या कर रहा है जिमी भाई, इनका टीवी उतार। अबे हम यहाँ रहने के लिए आए हैं भाई, 1-2 दिन के लिए नहीं आए हैं भाई, ये क्या हरकतें करता है इसकी, भाग जा करो को, मैं भाग गया बाहर भाई, कैसा है यार ये, टीवी उतार लिया बताओ होटल वालों का, अबे हम यहाँ बहुत दिन के लिए रहने आया भाई, कुछ अजीब ही है यार ये भी। एक तरफ ये देखो ट्रेसी को भाई फुल सफाई कर रही है, बाकी अपना शेफ भी यहाँ पर आ चुका है, और क्या चल रहा है ये भाई, ये फ्रैंकलिन मेरा से कूटेगा तेरी भैंस, क्या निकल यहाँ से भाई, इसकी हरकतें देख रहे हो तुम, कभी कुछ करता है, अभी फ्लावर लेके बैठा है, फूल लेके बैठा है, अमेंडा को देने के लिए बैठा होगा, तो इसकी में ना ये ज़्यादा बदतमीजी करने लगा भाई अभी, आई थिंक मजाक में करोगे भाई, कॉफ़ी दो पहले, तो भाई सुबह सुबह कॉफ़ी के बिना तो दिन स्टार्ट नहीं होता। हाँ भाई गरम गरम कॉफ़ी पीता है आज तो भाई, काफ़ी सारे काम करना है सबसे पहले ना, और अपने सबसे पहले हुला ही बदलना भाई। लास्ट वीडियो में ना आप लोगों की कमेंट देखी थी भाई, सब कह रहे थे कि आपने थोड़ा बाल वगैरह ठीक करो, कपड़े वगैरह बढ़िया से पहनो, तो फिर सबसे पहले अपना कोई चलेंगे शॉपिंग क्लोथ्स में भी, वहाँ पर चलता है। बाकी इधर से व्यू भाई दिन में देखो क्या मस्त व्यू आता है, एक सेकंड भाई कप हटाओ भाई सामने से, उधर देख रहे हो उस तरफ पहाड़ है,
और भाई क्या मस्त मस्त पहाड़ है, और इस तरफ अपनी मस्त सी सिटी है भाई, बढ़िया व्यू है यहाँ से। तो चलो चलते हैं, दिन में भी मस्त दिख रहा है। बाकी हाँ यार, मैंने होटल मैनेजमेंट वालों से बात कर ली थी, मैंने जस्ट उन्होंने कहा ना कि मुझे बाहर जाना है तो मुझे कोई गाड़ी वगैरह चाहिए, भाई उन्होंने टैक्सी करके दे दी। उन्होंने कहा जस्ट नीचे जाके एक बार कॉल कर देना, टैक्सी आ जाएगी लेने के लिए। एक सेकेंड, अबे घर में साइकिल क्यों चला रहे हो भाई, क्या हो गया ना सुबह सुबह भाई उल्टी सीधी हरकतें करने में लगे हुए हैं। चलो चलते हैं, अपना करने दो भाई इनको, तो अभी जाना है नीचे चलते हैं फटाफट से और कॉल कर देंगे। उन्होंने बताया होटल वालों ने इनको कॉल करनी है, जस्ट टैक्सी अपने लिए रेडी हो जाएगी। फटाफट से नीचे चलता है और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑल राइट, तो भाई मैं भी यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ और भाई ये होटल देख रहे हो नीचे, भाई दिन में तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। बाकी ट्रावर्स मैंने फ़ोन करके पूछ लिया भाई, वो ना फ्रैंकलिन घर पे गया अपना कैश वाला बैग लेने, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाला होगा। फिर हम अरे भाई यार ठोक दी भाई, वो डर के भाग गए भाई, उसने जस्ट ब्रेक नहीं लग पाया आई थिंक शायद उससे। बाकी यहाँ पर रुका, ओके ओके ये इसका टैक्सी ड्राइवर होगा आई थिंक। चलो हम भी अपने को कॉल कर देता है भाई, बुलाता है फटाफट से, क्योंकि अपने को सबसे पहले तो आता है कि क्लोथिंग स्टोर देखता है और उसके बाद गाड़ी वगैरह लेने चलेंगे। तो चलो फटाफट से कॉल कर देते हैं। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पर रिसेप्शन वालों से बात कर लिया भाई, वो कह रहा है कि अगले 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी टैक्सी यहाँ पर आ जाएगी। इतना भाई आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो अगर अभी तक नहीं कर रहा है तो, 5000 लाइक का टारगेट है, याद है ना आप लोगों को, फटाफट से कर दो। और हाँ, जिसने अभी तक एपिसोड यहाँ तक देख लिया भाई, इस वाली मूवी के साथ अपना नाम कमेंट में ड्रॉप कर देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि भाई कौन कौन बंदा है जो अपना एपिसोड पूरे पूरे लास्ट तक देखता है। बाकी अभी वेट करते हैं अपने टैक्सी के आने का। एक सेकेंड, ये कौन सी गाड़ी है भाई, बड़ी मस्त लग रही है, आई थिंक इसने रैप वगैरह करा रखा है। वेट, ये मेरे को सैल्यूट कर रहा है क्या, ओ वेट ये टैक्सी ड्राइवर है क्या अपना, अरे बस क्या भाई क्या मस्त टैक्सी लेके आया, और अपने मोटा भाई भी भाई मस्त यहाँ पर खाते पीते घूम भाई, हमेशा खाता रहेगा यार ये बंदा, मस्त है चल एकदम। चलो लेके चलते हैं, और उसकी आवाज़ भी मस्त है भाई, फुल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार रहा है बंदा। चलो भाई फटाफट से लेके चलता है, मैंने इसको कह दिया है बाकी अपने को ना अभी क्लोथिंग स्टोर पे जाना है और उसके बाद चलेंगे। सबसे पहले भाई अपना थोड़ा ना हुलिया वगैरह ठीक करते हैं, उसके बाद ही अरे 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 भाई हेलो, कैसे चला रहा है, ओए भाई ड्रिफ्टर, अबे टैक्सी ड्राइवर ही है ना ये, ओ भाई क्या कर रहा है ये बंदा, फुल 360 घुमा दी भाई बंदे ने गाड़ी। अरे अपने को ना अभी अबे कौन है ये चाइनीज, ओए चाइनीज माल भाई आराम से, मरना नहीं है मुझे अभी। अबे कैसे चला रहा है भाई ये गाड़ी को, अच्छा ड्रिफ्ट देख रहे हो तुम इसकी भाई, भाई ओए मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे यही उतार दे भाई यही, अबे अबे कहाँ, अबे कहाँ लेके जा रहा है भाई, अबे ये टैक्स ये होटल वालों का ये टैक्सी ड्राइवर है, मैं कहीं गलत तो नहीं बैठ गया, नहीं यार है तो ड्रेस कोड तो वहीं का पहन रखा है इसने भाई, कहीं से भी कुछ भी चलाया जा रहा है भाई, मुझे क्लोथिंग स्टोर जाना है भाई, भगवान के पास नहीं जाना, आराम से चला ले यार इसको प्लीज। तो क्या भाई ड्रिफ्ट देखो इसकी, बट एक बात तो है भाई अब तक बंदा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार रहा है, ठोकी तो कहीं भी नहीं है, प्रॉपर चला रहा है भाई। अब मुझे अभी यार लगा था ये ठोक देगा पक्का, मेरे बोलते ना ठोक दे भाई, प्लीज़ आराम से चला ले यार, मुझे एक काम कर तो उतार दे भाई, मैं चला जाऊँगा कैसे भी। अभी ये कौन से क्लोथिंग स्टोर लेके जा रहा है भाई, मैंने जिसको कहा कि भाई मुझे क्लोथिंग स्टोर पे छोड़ दियो, और बच गए भाई, भाई उतार दे भाई, मुझे नहीं जाना भाई, यही उतार दे भाई, यही फुटपाथ पे फेंक दे मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी भाई, क्लोथिंग स्टोर का है तो कहाँ लेके जा रहा है मुझे, पता नहीं कौन सी क्लोथिंग स्टोर लेके जा रहा है। चलते हैं अभी, बस ये ठोक ना दे भाई, अभी तक तो बंदा सेफ लेके चल रहा है, ये मुझे लग रहा है ना पहले कोई ड्रिफ्टर वगैरह था, ये कहीं रेसिंग वगैरह करता था, अभी यहाँ कोई जॉब करने लगा। ओए नहीं नहीं भाई, पुलिस वाले की गाड़ी में ठोक देता, अभी बीच में बाइक वाला खड़ा था उसमें ठोक देता भाई, गंदा मरवाएगा भाई, उतार दे भाई, करी तो ऐसे लो उसने धीरे तो करी है। ये कहाँ पे रोक दी, सबर्बन, अच्छा ये तो वही है ना जहाँ पहले आए थे। ओके ओके यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर, भाई तू सलाम बाद में करियो, तेरी ड्राइविंग बड़ी हैवी ड्राइविंग है भाई, अपनी जाना। हाँ मुझे पता है भाई ये क्लोथिंग स्टोर है, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे भाई, क्यों हैवी हैवी ड्राइवर रखे हैं होटल वालों ने, मैं बैठा बैठा हवा सूख गई भाई। चलो सही से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठोके नहीं है बंदे ने। ओके चलो अंदर तो आ चुके हैं, अब यहाँ से कोई नॉर्मल सा आउटफिट पहनेंगे यार, अभी ना थोड़ा इतना भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तुम्हें पता ही है भाई, एक तो रेंट ऊपर से और ऊपर से इसके बाद अपने को गाड़ी लेनी है। ये वर्सेटी जैकेट्स ट्राई करेगा, अभी एक काम करते हैं नॉर्मल टी शर्ट वगैरह पहनते हैं और उसमें बाद में लेंगे भाई, बढ़िया से कपड़े पहनेंगे बाद में, ठीक है अभी नॉर्मल सा आउटफिट चेंज करते हैं और फिर मिलता हूं आप लोगों से। ओके तो मैंने यहाँ पर अपना आउटफिट चेंज कर लिया है भाई, यहाँ पर नॉर्मल सी ब्लैक सी टी शर्ट है और नीचे ब्लू जीन्स है जो कि ठीक लग रही है, मतलब नॉर्मल है अपने लिए काफ़ी है। अभी चलता है फटाफट से कोई गाड़ी वगैरह का शोरूम ढूंढते हैं शहर में और फिर वहाँ पर चलता है, और बाकी मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो भी थोड़ी देर में आने वाला होगा जो कैश का बैग है वो लेके। बाकी एक बार एक काम करता है इसी से हैवी ड्राइवर से पूछता है भाई कोई शोरूम है क्या अपने आस पास,
इधर ही है। अबे हाँ, ये तो वही है ना लग्जरी ऑटो जहाँ पहले आए थे भाई। आज चलता है यहाँ पे ना, हमने पिछली बार गाड़ियाँ देखी थी बट उस टाइम पे भाई अपने पास पैसे नहीं थे। नहीं भाई तेरे साथ देख रहे हो, अब भी मुझे यू कह रहा कि भाई आओ सर पहले के चलता हूँ। भाई ये रहा सामने, मैं पैदल चला जाऊँगा भाई, मैं मुझे नहीं जाना तेरे साथ। ये वही शोरूम है गाइस जहाँ पे हम पिछली बार आए थे। यहाँ पे चलता है फटाफट से, देखते हैं कौन कौन सी नई गाड़ियाँ आई है। एक सेकेंड, आई थिंक ट्रक क्या है ना वो, भाई मुझे लग रहा है ये गाड़ियाँ जो अभी आई है ना, ये अभी नई नई इम्पोर्ट हुई हैं। बाकी ये लग्जरी ऑटोज वही है, मस्त शोरूम है भाई। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वही मतलब लग्जरी कार से आते हैं ज़्यादातर, और ये गाड़ियाँ थी उन्होंने इम्पोर्ट वगैरह कही है नई गाड़ियाँ। और ये भी आ चुका है अपने पीछे पीछे, हैवी ड्राइवर, इसका नाम तो हैवी ड्राइवर है, जितनी देर ये हमारे पास रहेगा हैवी ड्राइवर ही बोलने वाला हूँ। ऑल राइट, तो अंदर आ चुके। वेट भैंस, क्या क्या नई नई गाड़ियाँ आ चुकी हैं, उन्होंने नया स्टॉक मंगाया आई थिंक। भैंस क्या, ये कौन सी, आई थिंक ये मर्सिडीज की AMG लग रही है भाई देखने में तो। इसके अंदर बैठ के देखे, एक काम करते हैं सबसे पहले ना यहाँ को। अबे भाई सलाम नीचे कर ले, तू हो गया ठीक है, काफ़ी है भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया यार। हाँ तो ये इसका एम्प्लॉय से बात करते हैं भाई, एक बार वो पीछे मर्सिडीज़ खड़ी है वो बताओ भाई, क्या प्राइसेस हैं उसका, कैसी है वो। मोटा भाई यहाँ भी आ चुके अपने भाई, पहली बार देख रहा हूँ मोटा भाई को कुछ ना खाते हुए। ओके इस गाड़ी में बैठ के देखते हैं भाई, गेट भी अलग तरीके से खुलता है, उसकी आवाज़ सुनता है जरा एक बार कैसी है। स्टार्ट, ठीक है नॉर्मल है यार, मर्सिडीज़ AMG है। इंटीरियर थोड़ा ठीक ठाक सा है, इंटीरियर कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसका, इंटीरियर तो ठीक ठाक सही है, बाकी आवाज़ भी नॉर्मल है, बढ़िया है। बस भागने में पता नहीं अब कैसी होगी, देखेंगे अगर बढ़िया लगती है तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। ड्राइवर भी आ जाएगा ना, एक काम करता है यहाँ से ना कोई दो गाड़ियाँ सेलेक्ट करता है और उसके बाद, एक सेकेंड भाई ये मैक्लारेन है ना, हाँ ये मैक्लारेन है येलो कलर की, मस्त लग रही है ये भी। और आगे यहाँ पर एक GTR खड़ी हुई है ऑरेंज कलर की, जो कि ये भी बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है। और इस तरफ भाई फाइनली अपनी BMW इस तरफ खड़ी हुई है जो कि वाइट कलर में है। पिछली बार आई थिंक जब मैं आया था वो ग्रे कलर था, पता नहीं कौन सा था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था भाई, वाइट में क्या मस्त लग रही है। एक बार इसका इंटीरियर आवाज़ सुनो, रुको एक बार आवाज़ सुनो इसकी भाई, इसकी आवाज़ पे फिदा हूँ भाई मैं इस गाड़ी की। ये भागने में तो A1 है ही, साथ ही साथ भाई इसकी आवाज़ पे एक काम करता है, इसको रखते हैं, एक ये गाड़ी हो गई और कोई एक और देखता हूँ, देन उसके बाद सेलेक्ट करके ना जो भी अपने को बेस्ट लगती है इनकी एक काम करेंगे, ड्राइवर को बुलाते हैं और दोनों गाड़ियों के यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। उससे पता करता हूँ पहले ही इसकी टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी ना। ऑल राइट, ये कह रहा है हो जाएगी टेस्ट ड्राइव तो सर इसकी, बट उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए कह रहा है, वो भी देख लेंगे यार, हम तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, हमसे कैसे डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। ओके ओके, वेट यहाँ पर एक लैम्बॉर्गिनी उरुस भी खड़ी है, वो भी वाइट एंड ब्लैक में, ये भी मस्त लग रही है भाई, एक बार इसके अंदर बैठ के देखते हैं भाई। लैम्बॉर्गिनी उरुस ये भी ले सकता है भाई, ये भी फाइनल कर सकता है क्योंकि अपने पास है अभी इतना पैसा तो है कि हम इसको ले सकते हैं। बाकी एक बार एक काम करते हैं इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं। वेट भाई, इसका इंटीरियर है ना मस्त, इसका इंटीरियर मस्त लग रहा है मुझे, देख रहे हो इसमें लाइट, मतलब ये BMW और इसका इंटीरियर मस्त है। मर्सिडीज़ जो AMG देखी थी वो है, मतलब स्पीड में पता नहीं कैसी होगी, बाकी इंटीरियर वगैरह इन दोनों का मस्त है। एक काम करते हैं ड्राइवर को कर देता हूँ कॉल, वैसे कर जाएगा वो थोड़ी देर में आने वाला होगा। ये दो गाड़ियाँ लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और फिर इनकी ना ड्रैग रेस कराएंगे बाहर, बट ये पता भी नहीं यार, ये एम्प्लॉय जो है अपने साथ एक एम्प्लॉय ज़रूर जाएगा। और ये तो मैक्लारेन है जो कि हमने पहले देखी थी भाई, ये तो वही है, ये ना उस पर बोली लगेगी, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसको चली जाएगी। और बोली पता है इस पर जो लगने वाली है वो 40 मिलियन से स्टार्ट होगी भाई, आउट ऑफ रेंज है भाई ये गाड़ी तो, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है। ओके आई थिंक ट्रावर यहाँ पे आ चुका है, ट्रावर भी यहाँ पे आ चुका है, चलता है फटाफट से अभी ना इससे पूछता हूँ कि भाई दोनों गाड़ियों के हमको टेस्ट ड्राइव चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। एक तो अपने BMW तो फाइनल है ही, और दूसरी एक काम करता है भाई, ये मैक्लारेन तो देगा नहीं, मैक्लारेन ये सीना, ये GT जो खड़ी है यहाँ पे ये वाली तो देगा नहीं, तो एक काम करते हैं, एक तो लैम्बॉर्गिनी उरुस और BMW, इन दोनों को मैंने इसको बता दिया है, अब ये निकाल के देगा या हमें, एक काम करता हूँ मैं निकाल लेता हूँ। वेट ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अबे भाई ये नई गाड़ी है और ये नई गाड़ी यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, नई गाड़ी कैसे ख़राब हो गई भाई। आई थिंक मुझे लग रहा है ये बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ी है, कुछ इसका इंजन फ्यूलिंग वगैरह जैम हो गया होगा, इसको ठीक कर डालो। एक काम करता है इसको बाहर निकालता है और लेके चलता है भाई। ट्रैवर तो भाग जा, तो अपने वो लेके आइयो लैम्बॉर्गिनी उरुस, मैं इसको निकालता हूँ फटाफट से भाई, इसकी आवाज़ पे फिदा हूँ। ये क्या कह रहा है भाई एम्प्लॉय, ओके ओके ये मना कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि मैं ही निकाल के दूंगा, ठीक है भाई लो तुम्हें निकाल लो यार। ये मतलब हो सकता है भाई, तुमने सुना होगा, तुमने देखा भी होगा भाई, काफ़ी बार ऐसे लोग होते हैं शोरूम से निकाल रहे हैं और वहीं पर गाड़ी ठोक दी, भाई हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। इसको निकालते हैं, ओके इसने स्टार्ट तो कर दिया भाई रिपेयर करके, भाई बढ़िया मैकेनिक है भाई, लड़के ने स्टार्ट कर दिया गाड़ी, ठीक है बढ़िया स्टार्ट तो हो गई है। अभी चलते हैं फटाफट से बाहर, ट्रैवर भी यहाँ पे खड़ा है भाई, पैसे वगैरह तो लेके आए होगा ये,
ये खाली हाथ तो नहीं आ गया भाई? अरे पैसे लेके आया है? हाँ कह रहा है भाई पैसे लेके आया, बाहर रखे हुए हैं पैसे, आई थिंक गाड़ी वगैरह से आया होगा। चलो ठीक है ओके, गाड़ी भी इसने निकाल दिया, BMW अपनी भाई, इसका तो मतलब शाइन वगैरह देखो, इवन गाड़ी है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसको लेने के बाद कोई शहर में बढ़िया सा मैकेनिक ढूंढेंगे, वहाँ से इसको ज़बरदस्ती मॉडिफाई कराने वाला हूँ। ये कहाँ लेके जा रहा है भाई GTR को? ठीक करी और ले गया, आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है और भी कुछ कमियाँ वगैरह होंगे, इसको ठीक करने जा रहा होगा ये। ठीक है चलो, अपनी BMW तो बाहर निकल चुकी है। एम्प्लॉय भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो, वो जो है ना लैम्बोर्गिनी ओरोस, उसको भी बाहर निकालो भाई, दोनों यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लेके जाने वाला है। अब बैठते हैं भाई अपनी BMW में भाई, इसको ट्राई करते हैं भगा के। और भाई मैं ना इसकी फुल स्पीड चेक करने वाला हूँ, पिछली बार हम थोड़ा कम भगा पाए थे। ट्रैफिक भी यार रोड पे काफ़ी मिलता है यार यहाँ पे, अगर ट्रैफिक ना मिले तो फुल स्पीड भी चेक कर पाए। आई थिंक टॉप ये शायद पिछली बार 200 गई थी यार, अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को। ओके उसने ना अभी थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो एम्प्लॉय है वो भी आएगा, वो भी हमारे साथ जाने वाला है, क्योंकि भाई ये अकेले ले जाने नहीं देते भाई गाड़ी, एक ट्रैवलिंग गाड़ी में बैठेगा और एक मेरे साथ बैठेगा। ठीक है भाई सही है ओके, अभी आ चुका है, भागता भागता नहीं भाग रहा भाई, मैं इसे लग रहा है मैं भाग जाऊंगा। नहीं नहीं भाई तुम्हारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, पिछली बार जब आया था भाई इन्होंने पूरे यहाँ पर हमारा आइडेंटिफिकेशन ले लिया था। अभी इसको लेके चलते हैं फटाफट से भगा के। भाई आवाज़ सुन लो तुम इसकी, जस्ट एकदम पकड़ती है, अभी थोड़ा नॉर्मल लेके चलता है, हाईवे पे भगाएंगे। काम करता हूँ यहीं से रेस जरा स्टार्ट कर दूँ, लेट्स गो भाई। पिकअप एकदम पकड़ती है यार ये, एकदम पिकअप पकड़ती है, ड्रिफ्ट मारते हैं भाई यहाँ पे ज़बरदस्ती। और ये टर्न आया और ये नाइस भाई, ड्रिफ्ट भी काफ़ी मस्त लग रही है भाई इस गाड़ी से। भाई सही बताऊँ उसकी कंट्रोलिंग और इसकी स्पीड सबसे मेन तो अगर कुछ भाई ये हो सकता है हमारे ना उल्टे सीधे काम ही रहता है, तो भाई भगा नहीं तो मतलब गाड़ी तो हमको ऐसी चाहिए जो मस्त पिकअप पकड़े, और ये उसके लिए बेस्ट है, ये गाड़ी एकदम उसके लिए बेस्ट है। ड्राइवर कहाँ रह गया भाई, वो भगने रह गया उससे लंबा नहीं हो रहा, शायद ज़्यादा ही पीछे रह गया भाई, दिख भी नहीं रहा यार पीछे आने वाला होगा। चलो एक काम करते हैं इसको हाईवे पे लेके चलते हैं और वहाँ चेक करेंगे इसका स्पीड है। ओके ड्राइवर भी यहाँ पर आ चुका है, एक काम करते हैं हाईवे पे ना ड्रैग रेस लगाता है, इस एम्प्लॉय में थोड़ा सा मना लेंगे यार, ये क्या ही कहेगा। फटाफट से इन दोनों गाड़ियों को लेके चलते हैं और साइड में रोक के टेस्ट करेंगे कौन सी गाड़ी फास्ट चलने वाली है। भाई जो भी फास्ट होगी ना, भले मैं ये नहीं कह रहा मैं BMW भाई पसंद है BMW भी, अगर लैम्बोर्गिनी ओरोस रेस में जीत जाती है तो भाई मैं उसको पक्का लूँगा, क्योंकि अपने को मेन क्या चाहिए, एक तो पिकअप होना चाहिए गाड़ी में और कंट्रोलिंग, मेन कंट्रोलिंग भाई, क्योंकि भगाते हैं तो कंट्रोलिंग ही मस्त चाहिए। चलो भाई ये एम्प्लॉय कह रहा है भाई सर मत भगाओ भाई, एक मिनट लगेगी यार किसी को नहीं पता चलेगा। तो अपने यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ड्राइवर ने फुल बर्नआउट मार दिया, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ओके तो भाई रेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, अब बताता हूँ इसको। अबे भाई ये मेरे से आगे कैसे चला गया? नहीं 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 भाई ऐसा तो नहीं हो रहा दूंगा, इसको थोड़ा भगाते हैं भाई इससे तो आगे। एक सेकंड ये लैम्बो वाला कहाँ से आ गया भाई, ये सोच रहा होगा हम यहाँ पे रेस कर रहे हैं, इसने भी ज्वाइन कर लिया भैंस क्या। ठीक है भाई अभी मैं बताता हूँ, इस ड्राइवर को तो पीछे कर दिया है, लेट्स गो भाई फुल भगाओ। अभी अपने पीछे लैम्बो भी चल रही है भाई, थोड़ा सा नहीं भाई थोड़ी धीरे 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 भाई, पता चले यहीं पर ठुक जाए, इसको थोड़ा धीरे चलाता है। बाकी आप लोग भाई मुझे कमेंट में बता देना ये हाईएस्ट कितनी जा रही है, क्योंकि भाई मैं थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग जरूर बता देना भाई कमेंट में जितनी भी जाती है। अबे लैम्बो वाला कैसे आगे निकल गया भाई, पीछे रहे भाई आगे अपनी BMW चलेगी, ये हुई ना बात भाई। फुल कट वगैरह कंट्रोलिंग तो मस्त है, थोड़ा धीरे ही कर लेता है भाई, थोड़ा सा धीरे, हाँ अब ठीक है थोड़ा धीरे ही कर लेता है, क्योंकि भाई अभी इंश्योरेंस भी नहीं है ना मैंने अभी तक खरीदी है भाई, कहीं ठुक ठुका गई ना लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो चलते हैं फटाफट से, एक सेकेंड अबे मैं तो भूल ही गया भाई, अपने अपने को तो डगन बॉस के पास भी जाना है। अभी क्या टाइम हुआ है? ओ भाई अभी ठीक है भाई 3:30 हुआ है, अपने को 5 बजे तक डगन बॉस के पास जाना था, अभी तक कोई कॉल तो वगैरह तो नहीं आई है वैसे डगन बॉस के आदमियों की। ठीक है भाई अभी फटाफट से ना चलते हैं शोरूम में, वहाँ पहुँच कर मैं इस गाड़ी की पूरी पेमेंट देने वाला हूँ, देन उसके बाद भाई ये BMW हो जाएगी अपनी, फिर हम चाहे इसमें कुछ भी कर सकते हैं भाई। हाँ उससे याद आया मुझे, इसमें भाई अपनी मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, लाइक देखो इसके ब्लैक शीशे तो मैं करवाऊंगा ही, बाकी जो नियॉन लाइट्स हो गई और जो आउटर मॉडिफिकेशंस हो गई वो सब तो ठीक है, बट जो इसका मेन चीज़ है भाई वो है इस गाड़ी का कलर, वो मुझे आप लोग बताना, या तो मैं इसका कलर वाइट रख सकता हूँ या कुछ और कलर, लाइक इसका रेड हो गया या फिर हाँ ब्लैक शाइन हो गया भाई, ब्लैक शाइन भी इसमें बड़ा मस्त लगा, क्योंकि भाई अगर ब्लैक शाइन ब्लैक शीशे हो गए ना तो एकदम माफिया वाले लुक देगी, तो मुझे आप लुक बता देना एक बार भाई कहाँ आ रहा है ये बंदा। देखो गाड़ी एकदम पसंद है भाई, ये एकदम ना एकदम कंट्रोल हो जाती है, आगे कोई भी आ जाए तुरंत कट मार के हम कहीं से भी एस्केप मार सकते हैं। और हाँ यार एक रिमाइंडर है भाई आप लोगों के लिए, जिसने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, फटाफट से उस पर क्लिक करो और फॉलो का बटन आएगा वहाँ से फॉलो कर लेना, आ जाओ भाई वहाँ पे बहुत मस्त मस्त चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट एपिसोड से पहले। ओके तो चलो अभी ड्राइवर यहाँ पर आ चुका है, शोरूम भी अपना आ गया है,
फटाफट से इसको खड़ी करते हैं। बाकी यार जो लैम्बोर्गिनी ओरोस है भाई, ये भी मस्त गाड़ी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बेकार है, ये भी मस्त गाड़ी है भाई। बट अभी BMW के आगे मस्त नहीं है भाई, क्योंकि अपनी BMW के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए BMW भाई मस्त है भाई, BMW तो हो गया। चलो अपनी फटाफट से चलता है। यहाँ पर और भी भाई मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी हुई है, बट अभी अपना इतना भी बजट नहीं है कि भाई मैं जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई और ये अपनी मैक्लारेन हो गई, इनको लेने का बजट तो भाई पता नहीं कभी होगा। और वेट, अबे तो वही मैकेनिक है ना भाई, ये GTR ले गया, आई थिंक उस GTR वो ठीक ही नहीं हो पाई, उसकी जगह इन्होंने यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया। चलो एक बार बात करता है इससे, पेमेंट कहाँ पे करनी है और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ओके तो भाई मेरी यहाँ पर भी काउंटर पे बात हो चुकी है और भाई ये कह रहा है कि अंदर इसका एक बॉस बैठा है जिसको हमें डायरेक्ट पेमेंट वहाँ पर दे रही है। चलता है भाई फटाफट से, और ड्राइवर भी जो कैश वाला बैग था वो वहाँ पर लेके आ चुका है। बस भाई जो गाड़ी अपने रेंज के अंदर ही आ जाए, क्योंकि भाई मैंने गाड़ी तो ले लिया है, बट लेने से पहले भाई एक बार भी पता नहीं करा कि है कितने की। चलो कोई नहीं, वो भी पता लग जाएगा। एक बार चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या तो सीन चल रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पर इसका बॉस बैठा है जो कि आगे मालिक है। और वेट यार, ये मैंने कहीं देखा यार इस बंदे को, कहीं तो देखा सा लग रहा है। चलो अभी याद तो नहीं आ रहा है। ऑलराइट, ये कह रही है कि भाई इस पर साइन कर दो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके बाद पेमेंट करते हैं। हाँ, वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है वो हमारी हो जाएगी। तो चलो एक बार मैं इसकी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सब पे साइन कर देता हूँ। ऑल डन भाई, अभी यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी इनकी जो पेमेंट थी वो भी मैंने इनको कर दिया है। अब वो गाड़ी भाई ऑफिशियली अपनी हो चुकी है भाई, फटाफट से चलते हैं उसके पास। आई थिंक अभी ये वहीं पर लेके जा रही है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अब मैं ना उसको फ्रीली चला सकता हूँ भाई। पहले ये था यहाँ पर टेस्ट ड्राइव के बहाने चलाने को मिलती थी भाई, अब तो मैं उसको इतना गद्दा दौड़ाने वाला हूँ ना, मतलब अब तो अपनी है यार, चलाओ जैसे मर्जी चलानी है। बाकी अपनी फैमिली को भी दिखानी है भाई, वो लोग भी काफ़ी खुश होने वाले हैं, क्योंकि उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है भाई मैंने यहाँ पर नई गाड़ी ले ली है। खासकर जिमी को भाई, वो तो काफ़ी टाइम से कह रहा है मुझे कि एक नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। भाई फाइनली अपने पास एक नई गाड़ी आ चुकी है, और देखने के यार उसका रिएक्शन क्या होगा। बाकी हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया भाई, ये गाड़ी ना अपने को पूरे $6 मिलियन की पड़ी है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बट कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे भाई, आगे आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें करने वाला है, पूरा पैसा वापस रिकवर हो जाएगा। अभी चलते हैं भाई, ट्रैवर फटाफट से बैठ जा, अब भाई इसको रोड पे दौड़ाने वाला है, फुल गेड़िया शेड़िया मारता है इसको लेके। बाकी सबसे पहले एक सेकेंड, इसकी भैंस की आँख, ये तो वही है ना, ये जब से अंदर जो रिपेयर कर रहा है मैकेनिक, इसकी ऐसी की तैसी भाई, इसे बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, इसे मैं बताता हूँ, रुक जा तेरी ऐसी, ये ले, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई, छपरी वाली हरकतें कर रहा है, ये पिटने वाले काम कर रहा है, पिटेगा ही तू भैंस की आँख भाई, बहुत देर से देख रहा था मैं इसको। अबे कहाँ भाग रहा है, कहाँ, अबे कहाँ गया, यहीं तो वो जा रहा भाई, भाग जा, मैं बता रहा हूँ अगर नहीं भागा तो मैं भगा भगा के मारूंगा, तो आजा चला जा भाई, मैकेनिक होगा उनका, मेरा तोड़ी है, मेरी क्यों गाड़ी तोड़ने पर लगा हुआ है। बाकी भाई एक चीज़ देखो, मैंने तो इसमें बजा दिया, अब ये अंदर जाके फिर पिटेगा मकैन, ये शोरूम वालों ने इसे बाइक मंगाई होगी भाई, इसने वो भी तोड़ दी, अभी पहले मेरे से पिटा है और वहाँ पे पिटेगा। सही है भाई, चलो चलते हैं हम तो फटाफट से। एक सेकंड, क्या हो गया भाई, पेमेंट कर तो दिया, अब क्यों रोक रहे हो? ओके भाई ये कह रहा है, ठीक है ओके भाई, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर गाड़ी के साथ साथ एक फ़ोटो हो जाए भाई, ठीक है फोटो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर भाई फुल पोज मारो भाई, फोटो वगैरह खिंचवाता है। ओके लेट्स गो भाई, अपनी नई गाड़ी और फोटोशूट चल रहा है भाई, पूरा एकदम मस्त वाला, आई थिंक इनको दिखाने के लिए चाहिए होती होगी। अबे वो क्या कर रही है भाई, इसने ड्राइवर को भिगो दिया लास्ट में, पूरा साइड में भिगो दिया भाई, पूरा साइड से, इस साइड से पूरा ड्राइवर भीग चुका है भाई, गाड़ी पे नहीं, नहीं नहीं भाई गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे एक बुनिया चाहिए भाई, नई गाड़ी अपनी, आ जाओ भाई ड्राइवर फटाफट से बैठो, अभी निकलते हैं। और हाँ यार, मैंने डिसाइड करा है कि अभी ना एक बार चल के देखते हैं अपने घर पे, होटल जाने से पहले एक बार अपने घर पे चल के देखते हैं, क्या पता भाई बालाज वाले वहाँ से चले गए हों, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि वो लोग वहाँ से अभी गए होंगे भाई। और यही सबसे मेन बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको लोगों को पता ही होगा कि भाई जो जिसने मेरा एपिसोड 1 देखा है कि भाई जिस घर में अभी रहता है ना भाई, वो फ्रैंकलिन के दोस्त का है, और अगर उसको पता चल गया ना कि भाई उसके घर की ऐसी हालत हो रखी है भाई, मैं 100% श्योर हूँ हमसे पैसे मांगने वाला है पूरे के पूरे घर के, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है कि भाई उसको पैसे दे पाए, तो भाई कुछ भी करके मुझे यार ये बालाज वालों को यहाँ से निकालना होगा। अभी मैं घर के पास तो आ चुका हूँ, नहीं यार भाई साहब ये अभी तक भी यहाँ पे है, और उसके यहाँ भाई एक बार देखो यार घर की क्यों हालत कर दिया इन लोगों ने, मतलब पूरा यहीं पर सबके सब घेर के बैठ चुका है। एक काम करता हूँ, रुको, यहाँ पर मेरे घर के सामने एक वो है ना कंस्ट्रक्शन एरिया का काम चल रहा है, वहाँ से शायद हमें कोई अच्छा सा व्यू मिल जाए भाई, देखे तो आगे अंदर क्या सीन चल रहा है भाई वहाँ पे, मुझे लग तो रहा है कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे लग रहा है सारे बंदे ना बुला लियो। एक काम करता है, आई थिंक यही रास्ता है ना, हाँ यहाँ पर चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का काम,
एक बार यहाँ चल के देखते हैं। ट्रैवर भी हमारे साथ ही है यहीं पर। ट्रैवर आ जाए भाई फटाफट से ऊपर चल के देखता है ये कहाँ रह गया भाई। अरे ट्रैवर आ जाए यार जल्दी से फटाफट। ऑल राइट तो भाई ट्रैवर भी आ चुका है। अब फटाफट से एक बार ऊपर चल के देखते हैं भाई। यहाँ पे ना ये जस्ट अपने घर के एकदम सामने ही है। यहाँ से हमें पूरा प्रॉपर व्यू मिल जाएगा, जो भी अंदर चल रहा है सारा सीन अपने को ऐसे देखने वाला है। बस थोड़ा सा यार हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कोई बंदा उसका हमें देख ले और फिर हमें दिक्कत हो यार, हमें यहाँ से भागना पड़े। एंड वेट थोड़ा नीचे बैठ जाता है भाई, यहाँ से कभी कोई देख ना ले। इतना कुछ खास तो नहीं देख पा रहा है, बट वेट एक सेकेंड रुको। बाहर यहाँ पे दो तीन बंदे खड़े हुए हैं और गाड़ियाँ वगैरह। अंदर भी आई थिंक बंदे हैं ना वहाँ पे भाई, लग रहा है जैसे अंदर भी यहाँ पर बंदे हैं। एक काम करता हूँ, मेरे पास बायनोकुलर्स है, इसको निकाल के देखते हैं कोई दिखे तो हमें। एक सेकेंड थोड़ा जूम करते हैं भाई, ये देखो अंदर भी बंदे बैठे हैं। और भाई अमेंडा ही कार का देख रहे हो क्या हाल कर दिया भाई, पूरी कार जल चुकी है उसकी। बाहर भी यहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए हैं गन लेके भाई। एक सेकेंड भाई, तो बालाज का लीडर है ना भाई, आज ये भी यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक ये कल लेता भाई, ये भी यहाँ पर आ चुका है। और पीछे की तरफ भी बंदे हैं भाई, कितने बंदे हैं यार यहाँ पर। मुझे भाई देख के ऐसा लग रहा है इसने अपना जो पूरा बालाज का मेंबर वाला हुड है ना, वो सब के सब यहाँ पर आ चुका है। उसने अपना प्राइवेट बेस बना लिया भाई। स्नाइपर को देखो हर जगह, मतलब स्कोप से स्कैन करके देख भाई साहब। अगर इन्हें भाई मैं मिल गया क्या ही करेंगे यार ये लोग भाई। डगन बॉस को इसके बारे में बताऊंगा, जब उसने बुलाया ना आज हमें, इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि बालाज ने अपने साथ ऐसे कर रखा है भाई। बंदे देखो, ये देखो भैंस क्या भाई, कैसे मतलब ये पता है आ रहे हैं और भाई इधर उधर देख रहे हैं कि मैं कहीं से आना चाहूँ। फुल एकदम तैनात रहता है भाई, पता है इनका ये सीन है। अभी इनके काफ़ी गैंग से भी पंगे ले रखे हैं बालाज वालों ने, तो ये फुल एकदम से रेडी रहता है, क्योंकि कोई भी गैंग इन पर हमला कर सके तो उसके लिए फुल रेडी रहता है। अभी भाई फटाफट से निकलता है भाई। ट्रैवर जल्दी अपने पीछे आ जा, क्योंकि भाई यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, किसी ने देख लिया ना किसी बंदे ने तो भाई पीछे पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, आई एम आउटसाइड योर ओके। तो भाई मुझे लग रहा है डगन के जो आदमी है वो आ चुके हैं। बट एक सेकेंड यार, ये अपने होटल पे कैसे आ गए भाई, इनको कैसे पता कि मैं एक होटल में स्टे कर रहा हूँ। पता नहीं भाई, जो भी है अभी चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, मुझे थोड़ा केयरफुली जाना होगा भाई। ये रास्ता मेरे जस्ट घर के बाहर से निकलता है। ओके राइट लेता है भाई सीधा, मैं देख ही नहीं रहा पीछे भाई। फटाफट से यहाँ से निकलता है। वेट ओके ठीक है भाई, मुझे लगा वो मुझे देख के बोला है, अभी सब कुछ सेफ है। फटाफट से आगे चलते हैं भाई। बालाज वालों का ना मैं सच बता रहा हूँ बहुत चिड़ मच रही है इनसे, इनका बहुत हो गया भाई। गाइस आप लोग बता देना, मैं सोच रहा हूँ आज कुछ करूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी बैंड बजाऊँ नेक्स्ट एपिसोड में, तो मुझे कमेंट में बता देना भाई। बहुत परेशान हो गया मैं अभी इनसे, कब तक इनसे ऐसे भागते फिरेंगे। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ भाई इनकी बैंड अच्छे से बजा देता है। बाकी एक चीज़ मुझे अब तक ये समझ नहीं आई भाई, डगन के बंदों को कैसे पता चल गया यार कि मैं यहाँ पर होटल में स्टे कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो उन्होंने मुझे गाड़ी दी है ना वो रेंज रोवर, उसमें कोई GPS वगैरह हो जिसके थ्रू उन्होंने मुझे डिटेक्ट करा हो कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। पता नहीं यार, ऐसा ही कुछ होगा, वरना भाई भविष्यवाणी थोड़ी कर लेंगे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। वेट यहाँ पर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं वो, इस तरफ तो कहीं भी नहीं यार। एक काम करता हूँ, ड्राइवर को पहले बता देता हूँ कि भाई मुझे अकेले ही जाना है। ड्राइवर भाई ये गाड़ी है, नीचे इधर से पार्किंग है, तुझे इस तरफ से जाना है। और भाई फैमिली का ध्यान रखियो ठीक है, तुझे फैमिली का ध्यान रखना है। बाकी फ्रैंकलिन तो ऊपर है ही फैमिली के पास, अब उनका वेट करता है यार। वो तो कह रहे थे होटल के बाहर ही है, बट यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। वापस मैसेज करो क्या, वेट ये सिटी कौन मार रहा है, उधर है क्या ये कौन, आई थिंक हाँ ये ओके लेट्स गो। ये है वहाँ पर सामने खड़े हुए भाई, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। चलो चलता है इनके पास। फाइनली यहाँ पर डगन के बंदे भी आ चुके हैं। वैन क्यों लेके आया भाई, किडनैप करने का प्लान है क्या मुझे, वैन तो ऐसे लेके आया भाई साहब। मुंह वगैरह फुल कवर है, आई थिंक वहाँ पर ना पीछे पुलिस खड़ी होगी इसलिए इस तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है भाई लेट्स गो, इससे एक बार बात करता हूँ ये क्या तो कह रहा है। ओके ये कह रहा है कि गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। ठीक है भाई पीछे बैठ जाएंगे। बाकी अभी पता नहीं यार, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कहाँ पर तो लेके जाने वाला है। आई थिंक सीधा डगन के पास से लेके जाने वाले होंगे। चलो भाई फटाफट से बैठते हैं, ये तो दोनों बैठ गया भाई, मुझे नहीं बैठाया पहले खुद बैठ गए। ठीक है भाई चलो बैठते हैं फटाफट से और चलते हैं इनके साथ। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाई डरा हुआ भी हूँ अभी भाई, पता नहीं क्योंकि डगन का कुछ भी कर सकता है वो बंदा। जैसे कि मुझे रात फ्रैंकलिन ने बताया भाई उसके बारे में, भाई वो कुछ अलग ही टाइप का बंदा है। बट कोई बात नहीं यार, किडनैप वगैरह क्यों ही करेगा, क्योंकि अगर उसको हमें मारना ही होता तो भाई वो तभी कुछ ना कुछ कर देता जब हमने उसके भाई को किडनैप करा था, उसको पता चला। बट उसने हमें जाने दिया था और वो चाहता तो भाई वहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकता था, बट उसने हमें जाने दिया। उसने कुछ सही में आया तो पता नहीं हमारे से कुछ काम हो गया, जो भी होगा चलते हैं फटाफट से। बाकी अंदर देखो भाई, एक बंदा इस तरफ बैठा हुआ है टकला मास्क लगा के और एक आगे गाड़ी चला रहा है। भाई पीछे के बैठा तो भी आगे बैठ जाता,
चलते हैं भाई, देखते हैं जहाँ पर भी अपने को ले जा रहा है और फिर मिलते हैं। ऑल राइट, तो भाई अभी अपने को पूरा एक घंटा हो चुका है भाई इस वैन में घूमते घूमते। पता नहीं ये लोग कहाँ तो लेके जा रहा है। मैंने इनसे पूछा है भाई बता दो मुझे भी कहाँ जा रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि जस्ट हम उसी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें आना था। और वेट, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ है डगन बॉस यहाँ पे? ओके, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ, आई थिंक यही है। चलो चलते हैं इसके पास भी। भाई अकेला क्यों खड़ा है ये, क्या? ओके, ये कह रहा मेरे पीछे चलो। भाई नहीं 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 यार, ये डगन बॉस तो नहीं लग रहा है मुझे। ना ना, डगन बॉस ऐसे मार्क्स क्यों लगाएगा भाई? डगन बॉक्स तो नहीं है, डगन बॉक्स क्यों कह रहा हूँ, बॉस भाई। चलो भाई, ये भी मुझे सेम चीज़ कह रहा है। ये कह रहा है कि चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। भाई ये क्या सीन क्या है इनका? क्या हम इस हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं क्या अभी? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि डगन बॉस का जो मेंशन या जो भी बेस वगैरह है वो लॉस एंटोस से बाहर है, तभी ये मुझे हेलीकॉप्टर में लेके जा रहा है। चलो भाई चलते हैं जहाँ पे ले जा रहे हैं। बाकी हेलीकॉप्टर तो भाई एकदम मस्त है, ये फाइटर हेलीकॉप्टर है भाई, मस्त लग रहा है। और ओके, यहाँ पे इसने टेक ऑफ भी कर दिया है। बाकी जो दो बंदे अपने साथ आए थे इसने वो वहीं पर छोड़ दिया है, वो अपने साथ नहीं आने वाले। यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लेके तो कहीं जा रहे हैं, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई ये कहाँ तो जा रहे हैं। अब देखते हैं जहाँ पे भी लेके जाएंगे। बाकी मुझे एक चीज़ और लग रही है, हो सकता है ये हेलीकॉप्टर से इसलिए लेके जा रहे हैं जिससे मुझे डगन का घर या बेस वगैरह का ना पता लगे, बाकी कुछ नहीं पता। और यहाँ पर अंदर दो बंदे भी बैठे हुए हैं, एक इस तरफ है और आगे पायलट है। वो वाले दोनों बंदे तो वहीं पर रुक गए और यहाँ पर अलग दो बंदे हैं। भाई मानना पड़ेगा यार, डगन की आर्मी को ज़्यादा ही बढ़िया है। तुम देख रहे हो हमने इसके कितने सारे बंदे मारे थे इससे पिछले वाले एपिसोड में, बट उसके बाद भी भाई उसकी आर्मी ने 2 मिनट के अंदर पूरा बेस कवर कर लिया। और भाई इस हेलीकॉप्टर को देख के भी आराम से पता चल रहा है कि भाई डगन के पास कितना पैसा हुआ, क्योंकि यार ये वाला हेलीकॉप्टर ना कम से कम भाई 40 मिलियन या 50 मिलियन से तो ऊपर का होगा ही भाई, क्योंकि एक तो ये फाइटर है और ऊपर से इतना मस्त है भाई देखने में। तो चलो यार अब चलते हैं और देखते हैं भाई कहाँ तो लेके जा रहे हैं हमें और आगे क्या ही सीन होने वाला है। ऑल राइट, तो भाई हेलीकॉप्टर से अभी काफ़ी दूर तक आ चुका है भाई, ये काफ़ी दूर तक मुझे लेके आ चुका है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है भाई ये सिटी से कहीं दूर ही लेके जा रहे हैं। आगे देख रहे हो भाई पूरे में समुद्री समुद्र है, इस तरफ पहाड़ है और भाई अपने पीछे की तरफ यहाँ पर लॉस एंटोस सिटी है। पता नहीं, एक सेकेंड भाई, हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है। ओके, तो भाई ये सिटी से बाहर नहीं, यहीं पर लेके आया मुझे। आई थिंक यहीं पर कहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। नीचे यहाँ पर हेलीपैड होगा शायद, क्योंकि यहीं पर ओके देख गया मुझे, यहाँ पे दो हेलीपैड है, यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। भाई अब समझ गया मैं, भाई डगन बॉस का ना यही प्लान होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं उसका प्रॉपर रास्ता जान पाऊँ, उसके बेस का ये कहाँ पे तो है, इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर के थ्रू लेके आया जिससे मुझे रास्ता वगैरह याद ना हो या पता ना चले प्रॉपरली डगन बॉस की कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं। ओके चलो अभी यहीं पर लैंड करता है फटाफट से और देखते हैं भाई अपने साथ क्या तो होने वाला है आगे। ऊपर से भाई यहाँ पर बारिश का मौसम हो चुका है, चारों तरफ यहाँ पे बादल ही बादल हो गया है, बट कोई नहीं, अपने तो डगन से मिल के ही जाना है। बाकी भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे डर भी लग रहा है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है भाई डगन अपने साथ। ना ही फ्रैंकलिन को पता है ना ही ट्रेवर को पता है कि भाई मैं कहाँ पे तो आया हुआ हूँ, बट देखते हैं जो भी होगा। वैसे उम्मीद नहीं है भाई डगन ऐसा कुछ काम करेगा, देखते हैं। बाकी कहाँ गए ये बंदे? ओके ये रहे भाई, जहाँ से मुझे लाओ ना वहाँ भी छोड़ देना। अभी कहाँ जाना है? ओके ये कह रहा है नीचे जाना है। वेट, यहाँ पर 3 गाड़ियाँ तो खड़ी हुई है शायद यहाँ पर, तो भाई वो बंदा, वेट यार मुझे तो यहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। भाई डगन बॉस कहाँ पे, कहाँ तो लेके जा रहे हो तुम लोग? ओके ये कह रहा है इस गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी डायरेक्ट डगन बॉस के पास जाने वाली है। चलो भाई यहाँ भी बैठ जाता है। अब आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद सीधा मिलने वाले हैं भाई डगन बॉस से और देखते हैं भाई क्या तो अपनी डील होती है या जो भी टास्क वगैरह क्या तो होता है, देखते हैं। भाई सिक्योरिटी की तो कमी नहीं है भाई इस बंदे के पास, मैं मान गया। मतलब वहाँ पर वैन से लेके आया पहले हमें ये, उसके बाद हेलीकॉप्टर से, देन अब गाड़ी से अपने पास बुला रहा है। पता नहीं भाई, या तो उसका कुछ ये जाल होगा, पता नहीं क्या तो सोच के इसने ये सब करा है। ऊपर से भाई ओके यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी कमी थी लो भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी यार ये जगह ना मुझे कहीं देखी देखी सी लग रही है, इस हाईवे शायद मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। और वेट भाई, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके गाड़ी भी ये वहीं लेके जा चुका है। भाई इसका मतलब कंफर्म है कि जो इसका बेस है डगन बॉस का, वो लॉस एंटोस के अंदर ही है, लॉस एंटोस से बाहर तो नहीं है। ओके लेफ्ट में मुड़ चुके हैं, आई थिंक वो जगह आ चुकी है यहाँ पर। वेट है उसके, और भाई कितने सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, भाई ऐसा क्या है यहाँ पर? ओके मैं समझ गया भाई, ये जितनी भी सिक्योरिटी है ना, ये सारी की सारी यहाँ पर डगन बॉस के लिए आ रखी है भाई, देख रहे हो। और यहाँ पर तीनों गाड़ियाँ रुक चुकी हैं। ओके यहाँ पर 2 बंदे गाड़ी से उतर चुके हैं,
और ओके ये मेरे पास ही आ रहा है भाई। मुझे लग रहा है डगन बॉस यहीं पर ही है, अब तो कन्फर्म हो गया, अभी हमें कहीं नहीं जा रहा भाई, यहीं पर डगन बॉस है, क्योंकि भाई इतनी सारी सिक्योरिटी है तो पक्का यहीं पर होगा। और भाई लेफ्ट साइड में देख रहे हो, उन्होंने यहाँ पर बंकर्स वगैरह बना रखे हैं, जिससे कोई अटैक करे तो ये तुरंत यहाँ पर फुल इन्होंने यहाँ पर भाई अपना कर रखा है। उसके यहाँ दो दो बंकर है, और ऊपर की तरफ देखो भाई वहाँ पर भी सिक्योरिटी है, और यहाँ पर अबे ये तो सिंगर है, ये से कुछ बात कर रहा है सिंगर के पास लेके। भाई सिंगर नहीं, मैं अब तक इसको सिंगर बोल रहा हूँ, एंथनी नाम है भाई इस बंदे का, ये डगन बॉस का भाई है, और ये मेरे बारे में से कुछ बता रहा है। और एक सेकेंड, ओके भाई ये कह रहा है सिंगर इसको कि इसको डगन बॉस के पास ले जाओ। भाई ये एंथनी ना इतना घमंडी आदमी, मतलब भाई एकदम अकड़ में बोल रहा है यार, मेरे से कुछ बोला नहीं उसने, अपने बंदे को कहा है कि मेरे पास इसके लिए कोई काम नहीं है, इसको भैया के पास ले जाओ, उन्होंने इसको यहाँ पर बुलाया। भाई इसकी अकड़ भी किसी दिन निकालेंगे जब टाइम आएगा ना। बाकी भाई सिक्योरिटी देख रहे हो, यहाँ पर भी एक गार्ड घूम रहा है, और ओके यहाँ पर कोई अंदर रूम है जहाँ पर इसने मुझे बुलाया है। छोटी छोटी सी गलियाँ भाई कहाँ से लेके जा रहा है ये, वेट यहाँ पर दो लोग कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, और एक सेकेंड भाई ये अंदर तो कोई अंडरग्राउंड रास्ता लग रहा है मुझे। और यहाँ पर भी भाई फुल सिक्योरिटी टाइट है, मतलब सिक्योरिटी तो भाई इसकी हर जगह है। और एक सेकेंड भाई ये ऊपर इतना सारा गोल्ड है क्या, भैंस की आँख भाई कितना सारा गोल्ड है इसके पास यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये यहाँ पर गोल्ड माइन ना, यहाँ पर गोल्ड का इलीगल काम करता है, भैंस की आँख ये जगह। एक सेकेंड ये कैसी आवाज़ थी, ओ भाई ओ भाई ये कहाँ से आया, भैंस का तुम मर ही गया भाई, ये ऊपर से कहीं से गिरा है भाई साहब। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोगों से काम भी करा रहे हैं ये लोग, और भाई यहाँ ना कुछ गलत ही सीन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना एक गोल्ड की कुछ स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं। और फुल सिक्योरिटी भाई, मुझे लग रहा है ना इसलिए यहाँ पर इसलिए सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा गोल्ड है भाई ऊपर, मैंने जस्ट अभी देखा है इतना सारा गोल्ड यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा कर रखा है भाई, ये पता नहीं छुपा के रख रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसलिए इतनी सिक्योरिटी है। और चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स है। एक सेकेंड भाई आपको वो दिख रहा है, इन्होंने यहाँ पर कोई बंदा बांध रखा है, आई थिंक वो लावा के ऊपर है, भैंस की आँख भाई कुछ तो गलत ही सीन चल रहा है। हाँ भाई चल रहा हूँ यार चल रहा हूँ, ये कह रहा है चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो, इधर उधर मत देखो भाई, ठीक है यार चल रहा हूँ, भैंस की भाई कुछ गलत ही सीन है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है ये मुझे। और भाई नहीं 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 भाई भाई निकलो यार, मैं नहीं देख रहा भाई किस, अब मैं देखूंगा नहीं भाई, कुछ से कुछ मतलब अजीब से अजीब चीज़ें हो रही है भाई यहाँ पे। स्टार्टिंग में घुसते एक बंदा मरा हुआ मिला हमें, और यहाँ पर भी, और भैंस की आँख भाई यहाँ पर इन्होंने आँख के ऊपर एक बंदे को बांध रखा है, इसको टॉर्च वगैरह कुछ कर रहा है भाई। ये डगन बॉस तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक भाई चल रहा हो यार, तेरे पीछे चल रहा हूँ भाई, अब नहीं मुड़ूंगा मैं, वरना ये बिना मतलब खामा खा बजा देगा भाई, मार देगा यहाँ पे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और, क्योंकि अपने पास वेपन भी नहीं है। और भाई साहब इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कि मतलब हर जगह तुम्हें एक एक भाई पीछे से भी आ रहा है, आपने भाई हर जगह कोई ना कोई गार्ड घूमता हुआ मिले जाएगा, पता नहीं भाई कहाँ पे तो लेके जा रहा है ये डगन बॉस, मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। और इस तरफ देखो भाई बेचारा वो बंदा, इसने उल्टा टांग रखा है भाई यहाँ पे, कुछ अलग ही सीन चल रहा है भाई, अब नहीं रुक रहा मैं। ओके यहाँ पर भी दो गार्ड्स हैं, और वेट आई थिंक वो रहा सामने डगन बॉस। ओके डगन बॉस यहाँ पर मुझे मिल चुका है, जरा से एक बार बात करते हैं भाई क्या तो सीन है, और फिर बताता हूँ आप लोगों को। ऑल राइट, तो भाई मेरी यहाँ पर अभी डगन बॉस से बात हो चुकी है, और भाई मैं जैसा सोच रहा था अभी यहाँ पर सब कुछ तो नॉर्मल है, मतलब जो उसने अपने को टास्क दिया ना उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। रुको मैं आपको बता ही देता हूँ भाई, इसने ना मुझे ये कहा है कि अभी के अभी मुझे बालाज वालों को कॉल करनी है और उनको यहाँ पर बुलाना है, ये कह के कि भाई मेरे पास एंथनी है मतलब कि सिंगर है, और तुम्हें यहाँ पर आ जाकर तुम्हें चाहिए होगा वो, तो भाई उनको मुझे यहाँ पर बुलाना है इसी लोकेशन पर, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एक सेकेंड भाई ट्रेन के ऊपर देख रहे हो कितनी सारी गन्स रखी हुई हैं, भैंस की आँख भाई ये क्या तैयारी में है यार। हाँ तो मैं कह रहा था भाई मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्या तो करना चाहता है, बस मुझे इतना पता है इसने कहा है कि यहाँ पे बालाज वालों को बुलाना है, और इसका बाकी कुछ तो प्लान है जिसके बारे में मुझे अभी बताने, उसी लोकेशन पर लेके जा रहा है मुझे, ठीक है जहाँ पर मुझे रहना है अपने सिंगर के साथ, इसके भाई के साथ। बट इसका मुझे कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि ये बुलाएगा और उसके बाद हो सकता है कि भाई ये बालाज पे हमला बोल दे, बट कुछ नहीं पता है भाई इस बंदे का ना। और ये देख रहे हो भाई मेरे पीछे छः छः बॉडीगार्ड चल रहे हैं भाई इस डगन बॉस के साथ ना,
हमेशा बॉडीगार्ड रहता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता भाई अकेला हो। मतलब मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो साथ साथ हमारे पीछे छः छः बॉडीगार्ड भी चल रहे हैं भाई इसके। ठीक है भाई, ये ना सिक्योरिटी तो मतलब ऐसी सिक्योरिटी भाई अपनी भी होगी भाई, बहुत जल्द होगी। और बाकी ना भाई मुझे लग रहा है कि इसकी और डगन बॉस की, मतलब कि डगन बॉस और बालास की कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बनती नहीं आपस में भाई। जैसे इसकी बातों से लग रहा है ना, इसने जस्ट कहा तुम्हें बालास वालों को यहाँ पर बुलाना है और आगे सब कुछ मैं संभाल लूँगा भाई, इसने ये बोला आगे सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तो हो सकता है भाई ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर धमाल अभी करने वाला है। बस ओके, यहाँ पर आई थिंक भाई इसके यहाँ पर फुल बॉडी गार्ड्स वगैरह रखे हैं, बट वो यहाँ पर आएंगे क्यों यार। ओके ठीक है भाई, ये कह रहा है कि इस लोकेशन पे यहाँ पर तुम खड़े रहना और इसके जितने भी बंदे यहाँ पर दिख रहे हैं ना ये सब यहाँ पर छुप जाएंगे, और देन भाई जैसे यहाँ पर बालास वाले आएंगे देन ये यहाँ पर वापस मतलब उस पर फायर करना शुरू कर देंगे। बट पता नहीं जो भी सीन होता है। बाकी इसने यही कहा है कि यहाँ पर तुम रहना और बालास वाले को बुलाओ कि एंथनी मेरे पास है, मतलब कि सिंगर मेरे पास है और तुम आ जाओ उसको लेने के लिए। यार देखा जाए तो प्लान तो मुझे एकदम मस्त लग रहा है, बट अगर बाई चांस भाई बालास वाले बच जाता है ना तो भाई उसमें फिर मुझे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई अगर वो बच गए तो उन्हें पता है कि यहाँ पर भाई मुझे माइकल ने बुलाया था, तो माइकल का ही सब कुछ करा हुआ था, तो भाई फिर तो वो अपने को कुछ गलत ही समझाएगा। बट ऐसा नहीं होगा भाई, डगन को मुझे भरोसा है, इतनी इसकी आर्मी है तो भाई कुछ तो ट्रेंड इसके बंदे होंगे। तो चलो यार अभी फटाफट से बालास वाले को कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं। बाकी मैं उनको यही बता दूंगा कि यार ये जो सिंगर था ये मेरे हाथ से भाग गया था और अभी मुझे एक लोकेशन पर मिला है, फटाफट से तुम लोग वहाँ पर आ जाओ। और भाई इस बार ना मैंने इनको यही कहना सीधा कि भाई मुझे कोई 18 मिलियन नहीं, मुझे पूरे के पूरे $40 मिलियन चाहिए, तभी मैं तुम्हें ये हैंड ओवर करने वाला हूँ। जहाँ तक है वो मान जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो भाई देखता है फिर आगे का क्या सीन करना है। तो चलो इनको फटाफट से एक बार कॉल कर देता हूँ। ऑल राइट, तो भाई मेरी यहाँ पर अभी इनसे बात हो चुकी है और भाई बालास वाले ना 40 मिलियन में एकदम रेडी हो गया है। भाई पता है मुझे क्या लग रहा है, इनका ना बालास वाले का ये प्लान था कि बस ये एक बार इस सिंगर को किडनैप कर लें, देन उसके बाद ये सिंगर के थ्रू डगन बॉस को ब्लैकमेल करके उससे सारे काम निकलवाते अपने। तो भाई इसलिए ना ये तुरंत 40 मिलियन में एकदम मानने को तैयार हो गए। अब ये काम करता हूँ, इन सबको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे बालास वाले आने वाले हैं, तो फटाफट से अपनी पोजीशन ले लेंगे। ओके तो भाई यहाँ पर अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, अपना जो एंथनी है वो भी नहीं भाई, मैं इसको एंथनी नहीं है अभी, मैं थोड़ी देर के लिए इसको भाई सिंगर ही, ठीक है, कहीं बालास वालों ने सुन लिया ना तो भाई इनको पता लग जाएगा, इसको सब पता चल चुका है। यहाँ पर देखो भाई अपने सारे बंदे जो है ऊपर इस तरफ भी बैठ चुके हैं और सब जितने भी असॉल्ट राइफल्स हैं डगन बॉस के सब एकदम पोजीशन लेके बैठ चुके हैं। भाई दिख रहे हो कितनी दूर दूर है बालास वालों, कुछ दूर दूर तक खबर नहीं होगी कि उनके साथ अभी क्या यहाँ पर होने वाला है। इस तरफ भी ऊपर बैठे हैं और जो डगन बॉस है भाई वो इस बिल्डिंग के मतलब इस फैक्ट्री के पीछे है जस्ट, अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बालास वाले आएंगे ना तुरंत भाई डगन बॉस उसको चारों तरफ से घेर के फिर एंट्री लेगा भाई, जो सीन होने वाला है ना बड़ा मस्त आएगा, मज़ा आएगा देखने में। बाकी चलो अभी वेट करते हैं बालास वाले का। ओके शायद आ गए हैं, तो चलो भाई यहाँ पर बालास वाले भी आ चुके हैं, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा। माइकल की एक तरफ है डगन बॉस तो दूसरी तरफ बालास, अब बस माइकल को यह जानना है कि कौन सच में उसके साथ है और कौन बस साथ होने का दिखावा कर रहा है। यहां से अब स्टोरी में एक अलग ही ट्विस्ट आ चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होगा।